सो गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ये बेटा फिश को कैसे बाउल में रख रखा है। इसके अपडेट दिए थे मैंने आपको। तो आज मैं आपको अपनी दूसरी मछलियों से भी मिलाऊंगा, जो कि है इंडियन कैट फिश। तो फिर उनको कहाँ रख रखा है मैं आपको बताता हूँ। गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसके अंदर मतलब ये जुगाड़ करके मैंने टब को काट के बना रखा है। इसके अंदर मैंने अपनी कैट फिशेज को रखा हुआ है, और अभी पानी थोड़ा गंदा हो रहा है तो आपको ठीक से कुछ दिखेगा नहीं। और ये मैंने ये जो मोटर की पाइप मोटर होता है वो कूलर का, उसी से बना रखा है। ये इसी में रहती है और धूप में कभी आती नहीं है। देख लीजिए, ये कनस्तर यानी क्या बोलते हैं इसको, इसके अंदर बना रखा है मैंने। और फिल्टर भी मैंने जुगाड़ से बना रखा है। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, इसके अंदर सारा का सारा कचरा आ जाता है और फिर पानी एकदम साफ़ हो जाता है एकदम। देख लीजिए, एकदम गंदा रखा है। अभी इसको साफ़ करता हूँ मैं। तो चलिए इसको साफ़ करते हैं फिर। देख लीजिए, स्पंज भी लगा रखा है मैंने। चलिए अब इसे खोल के और साफ़ करते हैं। तो गाइस देख सकते हो, मैंने ऊपर एक कपड़ा भी लगा रखा था, और इसके अंदर सिर्फ स्टोन भर रखे हैं मैंने, और उसी से इतना साफ़ हो जाता है। आप मेरे को कमेंट करो कि मैं और क्या क्या इसमें डालूं जिससे पानी और भी साफ़ हो जाए। अब मैं पत्थरों को एकदम इकट्ठा करके वापस से डाल देता हूँ, और स्पंज पहले लगा देते हैं हम लोग। चलिए अब इसको कपड़े से ढक के एकदम बंद कर देते हैं। चलिए गाइस, ये बंद हो गया है, इसको एकदम बांध देते हैं, और फिर बाद में इसको इसके अंदर डाल देंगे और देखते हैं पानी कितना साफ़ होता है। तो देख लीजिए गाइस, अभी आधे घंटे में पानी कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है, एकदम सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है। देख लीजिए, धूप में भी एकदम क्लियर सब कुछ दिख रहा है, सारी मछलियाँ। वैसे तो मैंने इन्हें काउंट नहीं करा है, पर ये बहुत सारी हैं, अभी करीब 30 के आसपास है। और मैंने कोई फीड भी, ये आम जो फीड आती है दुकानों पर बेटा फिश के लिए आती है, जो मैं वही देता हूँ इनको, ये खा भी लेती हैं। पर कभी कभार मैं इनको चिकन और मटन भी देता हूँ, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दीजिएगा अगर आप भी कैट फिश पालते हैं तो, आसानी से खा लेती हैं क्योंकि, और बड़े पीस होंगे तो वो खा नहीं पाएगी। देख लीजिए, अभी ऊपर आने लग गए हैं और खाने भी लग गए हैं फटाफट। तो यही था हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस चैनल पर बने रहिए।